नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। हैट्रिक की तैयारी में जुटी भाजपा, दक्षिण पर खास नजर, 2 महासचिवों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू की सभा में 5 दिन में दूसरी भगदड़, गुंडूर में 3 लोगों की मौत, 28 दिसंबर में 8 लोगों ने जान गंवाई थी। कश्मीर में नए साल पर 3 आतंकी घटनाएं, राजौरी में फायरिंग से 4 की मौत। राजस्थान में सूर्यनगरी एक्सप्रेसवे के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 24 यात्री घायल, 12 ट्रेनें डायवर्ट। कार ने लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा, मौत, पीठ, सिर की हड्डियां तक छिल गई, चश्मदीदा बोला पुलिस को बताया। अत्यधिक ठंड के कारण आगरा में 2 दिन का अवकाश, जिलाधिकारी ने दिया सोमवार मंगलवार स्कूल बंद करने का आदेश। अलीगढ़ में अचानक लगी आग से किसानों का हजारों रुपए का नुकसान, सड़क किनारे लगी 3 बुर्जी जलकर हुई राख। कानपुर पुलिस ने मास्क लादे पकड़े 3 ट्रक, हरियाणा से बंगाल गाजीपुर जा रहे थे ट्रक, पुलिस ने मौके से 3 युवकों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में बाइक सवार को अनियंत्रित रोडवेज बस ने रौंदा, दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मेरठ में बाबा मनोहर नाथ मंदिर में पुलिस के सामने तोड़फोड़ और पथराव की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। पाकिस्तान के स्टेडियम में पुलिस भर्ती परीक्षा, 30,000 कैंडिडेट, हजारों लड़के लड़कियां मैदान पर दर्शक में बैठे। युगांडा में जश्न के दौरान भगदड़, 9 लोगों की मौत, मरने वालों में 10 साल का बच्चा शामिल, नए साल की आतिशबाजी देख रहे थे लोग। ईरान में जश्न मना रहे फुटबॉल प्लेयर्स गिरफ्तार, महिलाओं के साथ और पार्टी करने और शराब पीने का आरोप। आतंक पैदा करने वाले पाकिस्तान के लिए नासूर बना तहरीक तालिबान, कहा जहां है वहीं से पूरे पाकिस्तान में हमले करें। इसराइल के हमले से दहला सीरिया, मिसाइलों ने दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया निशाना, उड़ाने ठप। ऑस्ट्रेलिया के ब्राउन ने 270 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, अपना बैट खुद बनाते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 20 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट, रिव्यू मीटिंग में द्रविड़, रोहित और चेतन शर्मा से T20 वर्ल्ड कप हार पर हुए सवाल। धोनी कोहली ने न्यू ईयर में मनाया दुबई में, कप्तान रोहित शर्मा मालदीव गए, पांड्या ने शेयर किए सेलिब्रेशन के फोटोज। बाउंड्री के अंदर बाहर कैच पकड़ने पर विवाद, कैच पकड़ा, उछाला तो बॉल ग्राउंड के बाहर गई, वहां से अंदर फेंक, पूरा किया कैच। एस्टोन विला ने टोटेनहम को चौंकाया, चेल्सी को भी लगा झटका, टॉप पर अब बरकरार है आर्सेनल। मौला जट के इंडिया रिलीज हो पर फवाद खान का रिएक्शन, बोले अगर फिल्म इंडिया में रिलीज होती तो दोनों के देशों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लग्जरी कार छोड़ बाइक पर शो करने पहुंचे मीका सिंह, ट्रैफिक के कारण अनजान ड्राइवर के साथ की राइड, हेलमेट पहनने के लिए हुए ट्रोल। रणवीर सिंह को लगी सुशांत की बदुआ, के आरके ने कहा रामलीला में मिला था सुशांत को, काम रणवीर ने छीन लिया था फिल्म। शाहरुख की आन और स्क्रीन बेटी सना सईद ने की सगाई, विदेशी बॉयफ्रेंड ने लॉस एंजलिस में किया प्रपोज।
अनुराग कश्यप ने 31 दिसंबर को बताया ब्लैक डे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी तीन बड़ी संस्थानों के मर्ज होने पर जताया विरोध। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।